सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कर्नाटक से कम भ्रष्टाचार नहीं है। इससे पहले भी सुभाषपा प्रमुख बीजेपी सरकार की नीतियों का जमकर विरोध करते रहे हैं। उन्होंने तमाम मसलों को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जिले के रसड़ा कस्बे में पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की योगी सरकार को जमकर घेरा। हमला करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल कर्नाटक में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार है। मैं ये एक चुनौती के साथ कह रहा हूँ। राहुल गांधी कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। उत्तर प्रदेश में कर्नाटक से कम भ्रष्टाचार नहीं है। सुभाषपा प्रमुख ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, भ्रष्टाचार के आरोपी को यहाँ जाँच अधिकारी बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शासन में भ्रष्टाचार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति का अक्सर दावा करते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताकर उस पर हमला किया था। सपा से गठबंधन टूटने के बाद राजभर योगी सरकार के काम की सराहना करते रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान महत्वपूर्ण है। आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर राजभर ने कहा कि गठबंधन पर फैसला चुनाव से कुछ महीने पहले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी नेताओं के साथ बातचीत कर रहा हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को देश के विकास के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। अब गठबंधन को लेकर उनके इस बयान से फिर सियासी हलचल बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।